नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के पत्रकार वर्ग ने डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल, जो हाथरस के पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुए, उनका विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि वह गाजियाबाद में लगातार निपुण अग्रवाल के कार्यकाल को देख रहे थे। उनका कार्यकाल बेहद शानदार रहा। इस मौके पर अशोक ओझा, अशोक कौशिक, अनु चौधरी, शक्ति सिंह, लोकेश राय, सलामत मियां, विजेंद्र भारती, करणवीर कश्यप, अरुण चंद्रा, अमित राणा, जितेंद्र गौतम सहित सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। इत्तेफाक से ट्रेनिंग में जो हमारा ट्रेनिंग ग्रुप था, टोटल 8 ग्रुप थे, तो उसमें हमारा ग्रुप भी सेफ था। तो हमने सारे जो पूरे एक साल का रिवर्ट ट्रेनिंग होती है, सारे इवेंट एक साथ किए, तो निपुण से हमारी मित्रता काफी गहरी है। और हम दोनों रहने वाले भी अगल बगल के हैं, मैं कानपुर से हूँ, लखनऊ से। तो इस क्रम में मैं निपुण को जानता हूँ पहले से, बहुत ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड और बहुत ही नॉलेजेबल इंसान। अगर मैं कहूँ कि किसी भी टॉपिक पे यदि हम चर्चा करते थे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसपे निपुण के पास कुछ ना कुछ रिसर्च ना रहती हो। तो उस तरह से एक मित्र के रूप में मैं निपुण को बधाई देता हूँ इनके पहले डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा सभी लोगों ने यहाँ बताया कि इनकी वर्किंग बहुत ही प्रोफेशनल रही, हम्बल रही, और सभी से जो सोशल रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे। तो ये सारे एक्सपीरियंस का ये यूज और जो सबसे सबसे अच्छी बात है वो सभी सर का जो सहज स्वभाव है, इतनी भी कैसी भी सिचुएशन आती है, इतनी इंटेंस सिचुएशन है, सर हमेशा हंसते रहते हैं और उनका प्रेशर हमारे को नहीं रहने नीचे। सर ने एक बड़े भाई की तरफ से गाइड किया है, सर थैंक यू सो मच और आगे के लिए बहुत बहुत और हम सब चाहेंगे आगे भी सर के साथ ही हमें काम करने का मौका मिला। तुरंत ही शासन उनका कॉग्निजेंस लेता है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में यहाँ पे ट्वीट का कल्चर है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में यहाँ पे बहुत सारी खबरें जो होती हैं वो जो व्हाट्सएप पे चलती हैं, वो दो घंटे बाद ट्वीट होती हैं, वो एक घंटे बाद टीवी चैनल पे आती है, प्रिंट में आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स की मॉनिटरिंग होती है, वो भी करना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने मुझे फोन करके बाइट कैसे बनाते हैं वो भी बताया, मैंने उसको हेल्दी तरीके से लिया। बाइट में किसको देनी है, कब देनी है, न्यूट्रलिटी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी पर्टिकुलर चैनल को देते हैं, अगर वो माइक आईडी में पर्सन नहीं आया है और आपने एक पर्टिकुलर उसको दे दी है, उसके लिए भी मैं बहुत सारी चीजें सीखा। तो कैसे न्यूट्रल अगर बिहेवियर रखेंगे, अगर मैंने बाइट बनवा के खाली मीडिया वीडिया भी डाल दी है तो उससे सबको सेटिस्फाई रहते हैं, वो सब चीजें सीखा। क्या रिप्लाई होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो मुझे सिखाया गया। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो रही थी मुझे, कुछ सीनियर पत्रकारों ने यहाँ के जो पुराने रहने वाले थे, आप यहाँ के लोकल रहते हैं, कुछ ऐसे क्राइम हैं जो मुझे फीडबैक दिया है, कौन कर सकता है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, यही आप लोग बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं सीनियर ऑफिसर से आप लोग जुड़े हुए, यहाँ पे रिटायर हो गए, डीजी हो गए, तो हमारा फीडबैक आप लोग के माध्यम से उन तक भी पहुंचता है। तो उसमें आप लोग का मुझे बहुत प्यार स्नेह सपोर्ट मिला। साइकोलॉजी बड़ी कैसे वर्कआउट करा जाता है, मीडिया से कैसे आपको छिपाना है, कैसे बताना है, वो भी सीखा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के संबंध मधुर संबंध आगे तक रहेंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छा से कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि मैं एनसीआर के मीडिया के कांटेक्ट में हूं, मुझे हाथरस से मीडिया वालों के फोन हो गए कि
आप लोग जो काउंटर पार्ट होंगे वहां से उनके फोन आ गए, आपने उन्होंने मेरा नंबर शेयर करा होगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस लगता है अगर कोई भी घटना होगी वहां पे तो मैं मीडिया को मैनेज कर पाऊंगा। आप लोग के माध्यम से मैं आप लोगों से फोन करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं ना कहीं आप लोग उनको मैनेज कर लेंगे। तो ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस है मेरे में और मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ। आप लोग हाथरस आइए, वहां पे हींग का स्वाद चखाया जाएगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। उसमें जो है मैंने मतलब बहुत ही मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई जो है डीसीपी साहब के ऑफिस में गया हो और दोबारा लौट के आया हो कहा हो कि अभी जो है वहां से कुछ नहीं हो पाया, बोले संतुष्ट करके भेजते रहे होंगे। उसको लगता होगा कि भाई ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन देता है उसको पता होता है कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको पहले से पता होता है। क्योंकि मैं खुद अगर एप्लीकेशन दूंगा तो मुझे पता रहेगा कि मेरा काम किस लेवल का है, हो सकता नहीं हो सकता। अब उसमें यह आपकी कलाकारी है कि आप उसको कैसे सेटिस्फाई करें, जो उसके मन में है वो बात पकड़ करके अगर आप उसको बता देते तो पब्लिक एडवांस सेटिस्फाई हो जाती है। और वो क्वालिटी जो है निपुण जी में बिल्कुल थी, और अच्छे अधिकारियों में कार्य का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही अधीनस्थ लोगों को कैसे काम लेना है वो चीज हो, साथ ही किसी भी काम को कैसे एक निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, वो सारी क्वालिटी जो है वो निपुण जी में थी। और यहाँ पे दो दो बार इन्होंने कावड़ यात्रा भी कराई है, इतने सारे एक मतलब दो तीन बार लैंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज भी हुए, उसमें भी निपुण ने अपने सिटी एरिया में बिल्कुल उसको ठीक ढंग से हैंडल किया। तो एक अच्छे अधिकारी की पहचान स्थापित करके जब तक गाजियाबाद से जा रहे हैं, मैं निपुण जी को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे साथी जो सम्मानीय पत्रकार साथी हैं, निश्चित रूप से सभी लोग इनको बहुत प्यार करते थे और उसका नतीजा है कि आज लगभग सभी लोग हमारे जो है भले ही आपस में दूरी धाराओं में बह रहे हो, लेकिन आज सब एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं, निपुण जी जो है फेयरवेल दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं पुनः एक बार जो है निपुण जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित रूप से अच्छे अधिकारी आए हैं, जून में ज्वाइन किया था जून 2021 में, और मेरे से पहले से जनपद में निपुण जी यहाँ पे तैनात थे। निपुण जी ने विधानसभा चुनाव भी कराए और ग्राम पंचायतों में भी इलेक्शन कराए और स्थानीय निकाय में भी इलेक्शन कराए। यहाँ पे ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है वो काफी छोटा होता है, 40 ब्लॉक, लेकिन खासतौर से जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे जनपदों के विधानसभा के बराबर होता है। साथ ही विधानसभा चुनाव अपने आप में भी टफ होता है, क्योंकि आज हमें IIIDM जो संस्था है लोगों को जो निर्वाचन के पहले प्रशिक्षण देती है, आज जब हम वहाँ गए वहाँ पे जितने भी जिलाधिकारी पूरे देश से आए हुए थे लगभग 50, तो उसमें ये सुन करके सब बहुत हैरान थे कि एक विधानसभा में 1115 बूथ, और इसके बाद मतलब ज्यादातर विधानसभाएं 500 बूथ के ऊपर है और एक विधानसभा 1115 बूथ की, और वोटर जो है वो लगभग 29 लाख वोटर जिस जनपद में हो, तो उसमें चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता है। और निपुण ने बहुत अच्छे से इवन सारे जो ऑफिसर्स यहाँ पे ऑफिसर्स की टीम थी सभी ने, लेकिन निपुण जी का एक खासियत है कि आप कभी भी पुलिस के लिए नॉर्मली 2:30 बजे से लेकर के और 5 बजे का पीरियड दोपहर में थोड़ा आठ आवर माना जाता है, क्योंकि रोज रात में काफी देर तक जगते हैं, तो ये जो बीच का पीरियड होता है खासतौर से 2:30 या 3 से 5 वाला वो थोड़ा सा हार्ड टाइम माना जाता है। लेकिन मैंने देखा कि कभी कभार मैंने फोन किया भी अभी तो हमेशा जो तो ये फोन उठाने में बहुत ही प्रॉब्लम है। दूसरा जो है कोई भी फोन करे उसको पलट करके जवाब भी देना है। निपुण जी के बाद ये सिलसिला शायद नहीं होगा, क्योंकि इतना कोई समय लगेगा भी नहीं और इतना कोई अच्छा आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। निपुण जी इस गाजियाबाद शहर में जिले में बहुत अच्छी और तेज प्रदान आई थी, सबसे 30 साल में देखे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको मौका आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। आपका जो व्यवहार था पहले दिन से वो आज तक नहीं बन पाई, आप सबसे शायद निपुण जी के बाद ये सिलसिला शायद नहीं होगा, क्योंकि इतना कोई समय लगेगा भी नहीं और इतना कोई अच्छा आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। निपुण जी इस गाजियाबाद शहर में जिले में
बहुत अच्छी और तेज प्रदार आईपीएस हमने 30 साल में देखे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको मौका पाया और कब चला गया पता ही नहीं चला। आपका जो व्यवहार था पहले दिन से वो आज तक नहीं बन पाई। आप सब आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।